आज के इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स हिंदी के 50 VVI ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में यानी कि 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने की संभावना है इनमें से कुछ क्वेश्चंस। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड होता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़ा का विलोम है, यानी कि खड़ा का जो है विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोटा। खड़ा का क्या विलोम शब्द हो जाता है? खोटा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुकी है? उर्वशी है या रेणुका है या कुरुक्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वशी जो है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वशी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज का विशेषण है, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, तो जो समाज का विशेषण है ना, समाज है, तो सामाजिक नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्या प्लस आलय होना चाहिए। तो विद्या प्लस आलय कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि विद्या प्लस आलय इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, योगा करना तो होगा नहीं घुटने टेकना, अभिवादन करना या लज्जित होना। तो लज्जित होना भी नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार मानना। घुटने टेक दिया यानी कि वो हमारे सामने घुटने टेक दिया यानी कि हार गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार मानना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, संपूर्ण क्रांति के जो है वो रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। कौन है इसके रचनाकार? जयप्रकाश नारायण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्दंड का विलोम है, उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनम्र, उद्दंड का विनम्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, बातचीत जो है वो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इत, आनंद प्लस इत, यानी इत क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर हरिदास जो है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है वह उसे गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ, यानी कि ये जो सिपाही से ही रिलेटेड ये वक्तव्य जो है ये बातें सिपाही से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ जो है ये कहा था, जो फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे क्या कर दी जाती है? गोली मार दी जाती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आजकल कौन सा समास है, आजकल जो है ये कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद समास है। कैसा समास है दोस्तों? द्वंद समास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर सागर के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास। सूर सागर के कवि कौन है दोस्तों? सूर
दास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे सूर है, इसके में भी आगे सूर है, तो सूरसागर सूरदास, इसको आप आसानी से याद रख लेंगे। सूरसागर के कवि कौन है दोस्तों? तो सूरदास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी जो है ये कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास है। कैसा समास है दोस्तों? द्विगु, यानी कि इसमें संख्या के बारे में पता चलता है। पंच, पंच मतलब पांच, यानी संख्या के, जिसमें भी संख्या के बारे में पता चलेगा, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, शतक। ठीक है दोस्तों, ये सभी द्विगु समास के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना, युद्ध करना से कोई रिलेट नहीं है इसका, उल्टा काम करना से भी नहीं है, बहुत क्रोधित होना नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत परिश्रम करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलयज की रचना नहीं है, मलयज की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नहाने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसकी यानी कि ये सभी रचना मलयज की जो है, नहाने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, ये सभी जो है मलयज की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपवास। उपसर्ग जो है हमेशा आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो है वह हमेशा लास्ट में जुड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उप उप प्लस वास, यानी कि उप जो है ये उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, साकार का विलोम है, साकार का विलोम है, तो जैसा कि आपके पास ऑप्शन है निराकार, कुआकार, बेकार, अतिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि निराकार। साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? तो यहाँ विग्रह चिन्ह आ रहा है, यानी कि डैश आ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास है। कैसा समास है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास, जहाँ पे भी विग्रह का चिन्ह आए, ठीक है दोस्तों, डैश का चिन्ह आए, वो द्वंद्व समास के अंदर आता है। और जहाँ पे नंबर के बारे में, संख्या के बारे में बताया जाए, ठीक है दोस्तों, तो वो किस में आता है? आपका द्विगु समास के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कामचोर, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर जो है वो कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास है। कैसा समास है दोस्तों? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवन का संधि विच्छेद है, नवन का संधि विच्छेद, यानी कि नवन का जो है वो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ने प्लस अन, ने प्लस अन बराबर नवन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हो, एक शब्द ने कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि जिसने शिक्षा से गुरु दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हो, दीक्षा ली हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? शिक्षित कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, या आचार्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीक्षित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निंदा का विलोम है, निंदा का विलोम है क्या दोस्तों? स्तुति है, पूजा है, प्रशंसा है, आराधना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशंसा। निंदा, निंदा का क्या हो जाता है? प्रशंसा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह संग्रह से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, इसी से क्या लिया गया? हार जीत कविता इसी कविता संग्रह से लिया गया, यानी कि कहीं नहीं वहीं, इसी से क्या होगा? हार जीत कविता को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुव्रीहि समास है। कैसा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया? निम्नांकित उदाहरण जो है वो किस पाठ से लिया गया है? यानी कि संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, सिपाही की माँ से लिया गया, प्रगीत और समाज, प्रगति और समाज, या पुरस्कार से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण क्रांति से लिया गया। किससे लिया गया? संपूर्ण क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, धरती का विलोम है, धरती का विलोम हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाश। धरती का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नि जोड़ च, यानी कि जब भी संयुक्त रूप में रहता है शॉ, ठीक है दोस्तों, उसके बदले क्या जाता है विसर्ग आ जाता है, यानी कि नौहर्षि नौहर्षि विसर्ग प्लस च, यानी कि नि जोड़ च हो जाएगा, निश्चय इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उद्घाटन का संधि विच्छेद, उद त में जब भी हिलंत रहेगा तो वो त में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, उत जोड़ घाटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों इसमें भी हिलंत आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत जोड़ घाटन, ये इसको इसमें घाटन तो है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, उत जोड़ घाटन जो है ये क्या हो जाएगा उद्घाटन का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है उसके कवि कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जो है उसे किस काल का कवि माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीति काल, कौन से काल का, रीति काल का उसको कवि माना जाता है, किसको, भूषण को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देव, क्या हो जाएगा दोस्तों, देव देवता का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला का दोस्त है दोस्तों, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत क्रोधित होना, यानी कि वो आपे से बाहर हो गया, यानी कि वो बहुत क्रोधित हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालाक होना, अवल का अंधा मतलब चालाक होना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तुलसीदास जो है वो किस काल के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भक्ति काल के, किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैद्य का विलोम है, वैद्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवैध, क्या हो जाएगा दोस्तों, अवैध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञात का विलोम है, तो ज्ञात का हम लोग जानते हैं अज्ञात होता है, क्या होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अज्ञात। कड़वक किनकी रचना है, कड़वक जो है वो किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की, कड़वक जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाँव का घर, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संग्रह की है, गांव का घर जो है वो शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संशयात्मा जो है ये कविता संग्रह से गांव का घर शीर्ष कविता लिया गया है संशयात्मा से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी के कहानीकार हैं, रोज कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अज्ञेय हैं, कौन है दोस्तों, अज्ञेय जो है वो रोज कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि होता है, क्या होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालती के पति का क्या नाम था, मालती के पति का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेश्वर नाम है, क्या है दोस्तों, मालती का के पति का नाम क्या है, महेश्वर है, तो मौ से मालती, मौ से महेश्वर, आसानी से आप याद रख सकते हैं मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंगून कहाँ है, नेपाल में है, वर्मा में है, जापान में है या चीन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्मा में है। रंगून कहाँ पे है दोस्तों, वर्मा में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहना सिंह, कौन है दोस्तों, लहना सिंह, उसने कहा था कहानी के
नायक हैं। ठीक है दोस्तों, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का विशेषण होगा, भारत का विशेषण हम लोग जानते हैं क्या होगा, भारतीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, भारतीय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 50 VVI ऑब्जेक्टिव्स को कवर करें किए हैं, जो आपकी 2020 बोर्ड एग्जाम में आने के इनमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी चांसेस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 मार्क्स के हिंदी का 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी डेली ऐसी वीडियो प्रोवाइड होती रहे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।